press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ट्रेन से कटकर हुई मौतों पर सबसे बड़ा सवाल सामने जो आया है उसमें ये है कि 59 मौतों का आखिर गुनाहगार कौन है। अमृतसर में दशहरे की शाम 59 लोग ट्रेन से कटकर मारे गए और 57 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन 24 घंटे बाद भी कोई अथॉरिटी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी लोहानी ने कहा कि रेलवे को आयोजन की सूचना नहीं दी गई थी, इसमें रेलवे प्रशासन की कोई गलती नहीं। नगर निगम के कमिश्नर सोनाली ने दावा किया है कि आयोजन के लिए मंजूरी लेना तो दूर, किसी ने आवेदन तक नहीं किया। सीएम अरमिंदर सिंह ने डिविजनल कमिश्नर से 4 हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी है। जीआरपी ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पत्नी नवजोत कौर के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि घटना दुखद है, ये कुदरती आपदा है, लेकिन घटना का पूरा सच इससे पहले वीडियो से पता चलता है। स्टेज पर नवजोत कौर की शान में शेखिया बगारी गई। अनाउंसर ने कहा, मैडम जी इधर देखो, इनकी फिक्र नहीं चाहे 500 ट्रेन गुजर जाएं, रेलवे लाइन पर 5000 से ज्यादा लोग आपके लिए खड़े रहेंगे। इस पर नवजोत खूब हंसी। ਭਾਵੇਂ 500 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਅਰੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। कुछ देर बाद रावण के पुतले में आग लगा दी गई। 30 सेकंड बाद ही अप डाउन ट्रेनें आ गई और 5 सेकंड में 59 लाशें बिछाती हुई निकल गई। प्रशासन ने पहले ये संख्या 63 बताई थी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।